नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे कि LIC की परीक्षा देने के बाद यानी IC38 की परीक्षा पास करने के बाद आपको बिजनेस में LIC की एजेंसी के करियर में शानदार मुकाम हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा और हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा LIC की एजेंसी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को देखना होता है। ये प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमारे संभावित ग्राहक। संभावित ग्राहक अगर हमारे पास एक रहेंगे, दो रहेंगे, दस रहेंगे, पचास रहेंगे, सौ रहेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में रहेंगे उतनी ज्यादा हमारा आउटपुट आएगा, यानी उतनी ज्यादा हम बिजनेस को पा लेंगे, उतनी ज्यादा हम क्लोजिंग कर पाएंगे। और कहा गया है कि एक कच्चा माल जो होता है, जैसे कि हमें जितना ज्यादा आटा बनाना है उतना ज्यादा मात्रा में गेहूं चाहिए, बगैर गेहूं का आटा नहीं बन सकता है। अगर हमारे पास ज्यादा गेहूं रहेगा तो निश्चित तौर से हम ज्यादा आटा का प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर ज्यादा बीमा चाहिए तो ज्यादा बीमा पाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा प्रोस्पेक्ट चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट ज्यादा रहेगा तो हम निश्चित तौर से ज्यादा पॉलिसी क्लोज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। मित्रों, प्रोस्पेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। इसको आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप देखते हैं कि हमें प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो किसी व्यक्ति से मिलने के बाद हमें उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी लेने के बाद हम उससे कुछ ऐसी चीजें भी पूछेंगे जिससे पता चल जाए उसकी इनकम, पता चल जाए कि वो कितनी इनकम करने वाला है, और साथ ही साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और फैमिली बैकग्राउंड का मतलब कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, पैसे वाला है बगैर पैसे वाला है। दो तरीके का हमें प्रोस्पेक्ट कलेक्ट करना पड़ता है। पहला लाइफ ओरिएंटेड का मतलब ऐसा प्रोस्पेक्ट जिससे हमारे पॉलिसी बढ़ती है, हमारी लाइफ बढ़ती है, और दूसरा होता है ऐसा प्रोस्पेक्ट जो हमें प्रीमियम ओरिएंटेड, प्रीमियम ओरिएंटेड का मतलब कि जो हमें प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा दे सके। प्रीमियम का बजट पूरा करने के लिए ऐसे प्रोस्पेक्ट की जरूरत होती है, और लाइफ का बजट पूरा करने के लिए या लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें लाइफ ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है। और दोनों प्रोस्पेक्ट ही हमारे सही समय से काम देते हैं। अगर बाय द वे किसी के पास प्रीमियम ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट है लेकिन क्वांटिटी कम है तो वह क्लब मेंबर बनने में दिक्कत होती है। वहां उसको अचीवमेंट ज्यादा कर सकता है, वह MDRT कर सकता है, COT कर सकता है, कारपोरेट क्लब बनना उसके लिए आसान हो सकता है, बट लाइफ ओरिएंटेड जैसे कि JGAM क्लब, जैसे कि CM क्लब बनना उसके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट कम मात्रा में मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लाइफ ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट ज्यादा मिलते हैं लेकिन प्रीमियम ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट कम मिलते हैं। अब मित्रों बात करेंगे कि इस प्रोस्पेक्ट को मैनेज कैसे करें। अगर आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट मिले, 100 में से 10 प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जो प्रीमियम ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन 90 ऐसे होंगे जो लाइफ ओरिएंटेड होंगे, जिनको बीमा जरूरत है, छोटा बीमा ले सकते हैं, किसी तरीके से बीमा चला सकते हैं, कम बजट में उनकी पॉलिसी, छोटी बड़ी पॉलिसी कुछ भी चला सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब हम 90 में से हम अगर अपना बजट बनाते हैं कि हमें इस महीने 10 बीमा करना है, तो 10 बीमा में 5 इसको पकड़ना चाहिए, 5 इसको पकड़ना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस का बैलेंस भी बना रहे। अगर आप बिजनेस का बैलेंस नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर से केवल और केवल इसके चक्कर में पड़ेंगे तो इनकम कम होगी, पॉलिसी तो ज्यादा होगी लेकिन इनकम कम होगी, और केवल इसके चक्कर में पड़ेंगे तो किसी किसी महीने ऐसा भी होता है कि हम पॉलिसियों को क्लोज नहीं कर पाते हैं, या बड़ी पॉलिसियां क्लोज होने में समय डिले ज्यादा हो जाता है। तो निश्चित तौर से हमें दोनों को मिक्सअप करके काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप
केवल और केवल लाइफ ओरिएंटेड काम करते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक या दो घंटा ऐसा समय निकाले जिसमें प्रीमियम ओरिएंटेड प्रॉस्पेक्ट से मिलने का समय मिले। प्रीमियम ओरिएंटेड प्रॉस्पेक्ट से अगर मिलेंगे तो निश्चित तौर से आप बड़ा प्रीमियम हासिल कर सकेंगे। प्रीमियम ओरिएंटेड में ज्यादा आपको बिहेवियर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा रिलेशन बनाने पड़ते हैं और ज्यादा उसके लिए समय भी देना पड़ता है, यानी कि टाइम देना पड़ता है। अगर ये आप टाइम देते हैं तो निश्चित तौर से वो आदमी से आपका रिलेशनशिप प्रगाढ़ होगा और तब जाके उस बड़े बीमा को आप क्लोज कर पाएंगे। बड़े बीमा में आपको नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, आपको स्किल की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ बड़े बीमा में आपके पास ऐसा कला होना चाहिए कि आप उससे बात करके, उसे मॉडिफाई करके, उसका मेडिकल करा के, उसको दौड़ धूप करके पास करा दें। आपके पास स्किल होनी चाहिए। छोटा बीमा आसानी से ब्रांच लेवल के पास हो सकता है लेकिन यहाँ से आपकी इनकम कम होगी, इनकम पे प्रश्न चिन्ह लगता है। मित्रों अगर इनकम बड़ा करना है तो निश्चित तौर से दोनों में तालमेल होना चाहिए। आपको क्लब मेंबर भी बनना है, आपको एमडीआरटी भी करना है, तो दोनों का बैलेंस बना के चलना होगा। उसका सबसे बढ़िया फार्मूला है कि आप दोनों में तालमेल बनाए। अब ये लोग मिलते कहाँ हैं? तो ये लोगों को आप मार्केट में तमाम तरह के चीजों से खोज सकते हैं। जैसे किसी की मोबाइल की शॉप है, वहां से आप प्रोस्पेक्ट जुटा सकते हैं। किसी का बार्बर का शॉप है, नाई की दुकान है, और वहां से आप प्रोस्पेक्ट ले सकते हैं। किसी का मेडिकल स्टोर है, वहां से प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। किसी का जनरल स्टोर है, वहां से प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। कोई ऐसा भी आदमी होगा जिसके पास किसी और प्रकार की, जैसे अचार का दुकान है, जैसे सोम पापड़ी का दुकान है, मीठा का दुकान है, वो सब सारी चीजों से प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। अखबार वाले को पकड़ सकते हैं, दूध वाले को पकड़ सकते हैं, और जितने भी सामान आटा जहां पिसाते हैं उसको पकड़ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट तो पूरे मार्केट में भरा पड़ा है, बस आपको अपना दिमाग लगा देने की जरूरत है। यानी किसी ट्रेनर ने कहा है आपको विल चाहिए। क्या चाहिए? विल। अगर आपके पास विल है तो आपके पास स्किल ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुछ करने की इच्छा है तो कुछ करने के लिए संसाधन आपके पास आ जाएंगे, और कुछ करने की संसाधन आपके पास है लेकिन इच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि किस्मत उसी की साथ देती है जिसके पास विल और स्किल दोनों रहता है। ये दोनों रहेगा तब आपकी किस्मत साथ देगी। केवल स्किल रहेगा, विल नहीं है, आपके पास बहुत कला है लेकिन घर पे बैठे रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास बहुत इच्छा है लेकिन आपने स्किल नहीं बढ़ाया, स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली, स्किल बढ़ाने के लिए मीटिंग में नहीं आए, स्किल बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी जगहों पे अपना कुछ न कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया, तो निश्चित तौर से आप यहाँ क्या होंगे? फेल होंगे। क्या होंगे? फेल होंगे। और फेल होना मतलब बिजनेस न होना, फेल होना मतलब आपको आगे न बढ़ना, फेल होना मतलब आपके ग्रोथ रुक जाना। तो अगर ग्रोथ करना है तो निश्चित तौर से आपको प्रॉस्पेक्ट पे समय देना पड़ेगा। कैसे प्रॉस्पेक्ट लिखना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, और प्रॉस्पेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब प्रॉस्पेक्ट में एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप प्रॉस्पेक्ट बनाएं प्रॉस्पेक्ट से तालमेल रखें। जैसे उसको व्हाट्सएप पे जोड़ लें, उसको फेसबुक पे लिंक भेज के या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसको फेसबुक पे जोड़ लें, उसको टेलीग्राम पे जोड़ लें, साथ ही साथ उसके प्रोफाइल को पढ़ें। अगर फेसबुक पे है तो कैसा, किस तरीके का आदमी है? बचत करने वाला आदमी है कि खर्च करने वाला आदमी है? उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा महंगी है, लाइफ स्टाइल आसान है? ये सारी चीजों पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो उसके बारे में समझना आसान हो गया। उसके बच्चे कितने हैं, उसके फैमिली में कौन कौन है, और साथ ही साथ उसके परिवार के लोगों का विचार क्या है। विजिट करेंगे उसके साथ, एक दो बार जाएंगे घर पे, उसके मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तब बीमा होगा। बीमा करने के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, बीमा करने के लिए उसके बारे में जानना पड़ता है। बगैर जान पहचान का भी बीमा कर देंगे आने वाले भविष्य में खतरा हो सकता है, क्योंकि बीमा करने के लिए उसके बारे में जानना, उसके इनकम के बारे में जानना, उसके फैमिली के बारे में जानना, उसके रहन सहन के बारे में जानना, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना, और साथ ही साथ उसके संवैधानिक स्थिति के बारे में जानना। कहीं वह
किसी आपराधिक संगठन से तो नहीं जुड़ा है, कोई आतंकवादी गतिविधियों से संलग्न तो नहीं है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है तब बीमा करना होता है। अब आप सारी चीजों को धीरे धीरे जानेंगे कब, जब उसके एक दो बार चार बार पांच बार मिलेंगे तब। अब कुछ लोग एजेंट लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तीन बार गए चार बार गए बीमा नहीं हुआ, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप चार बार जाएंगे, जितनी बार जाएंगे उससे ज्यादा आपको अनुभव मिलेगा, उससे ज्यादा आप सीखेंगे। तो आपका जाना जरूरी है, जैसे जैसे आप उससे संलग्न होंगे, जैसे जैसे आप उससे बार बार कनेक्ट होंगे, बार बार जाएंगे, बार बार मिलेंगे, आपको और ज्यादा आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। वो जरूरी है, जब तक वो जरूरी नहीं आप समझेंगे तब तक आप घबराएंगे। अच्छा, घबराना किस बात का है? हमारा काम क्या है? बीमा करना। काम क्या है? बीमा करना। अब काम ही है बीमा करना, तो इसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट जुटाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद उसको प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्लान प्रेजेंट करने के बाद क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और क्लोजिंग के बाद उसको रसीदें देनी पड़ेगी। तो घबराना किस बात का है? तो आपका प्रोसेस है, एक बार लगा, दो बार लगा, कंटिन्यूअस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। किसी का रसीद देने गए, वहां नया बीमा भी कर दिया। किसी का रसीद देने गए, वहां आपने प्लान प्रेजेंट कर दिया। किसी का रसीद देने गए, वहां आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया। किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान समझा रहे हैं, वहां दूसरा किसी का क्लोजिंग हो गया। अगर आपके पास मेटेरियल है, आपके पास स्किल है, तो आप जहां जाएंगे वहां आपका बीमा बिकेगा, और जिधर काम करेंगे उधर आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। फिर टेंशन किस बात का? काहे का घबराना? किस बात का डर? किस बात का भय? किस बात का टेंशन? किस बात की चिंता? नो वरी माई डियर फ्रेंड्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। एक काम करेंगे दूसरा पकड़ा जाएगा, दूसरा काम करेंगे तीसरा पकड़ा जाएगा। ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको बिजनेस बढ़ता जाएगा। बस इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। नए एजेंट हैं, नए एजेंट को दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है कि कंटिन्यूअस उसके काम होने चाहिए। कंटिन्यूअस काम का मतलब कि अगर आप प्रोस्पेक्ट ले रहा है तो प्रोस्पेक्ट का मतलब कि डेली का डेली कम से कम पांच प्रोस्पेक्ट मिलना चाहिए। साल में 1500, साल में 365 दिनों में उसको मिल जाएगा लगभग लगभग 1800 प्लस प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। अभी 1800 प्लस प्रोस्पेक्ट को अगर 10% भी क्लोजिंग होती है तो 180 लोगों की क्लोजिंग हो जाएगी, और 10% गारंटी होता है, बसरते 365 दिनों हर दिनों में पांच प्रोस्पेक्ट को आपको प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम लिखने से बीमा नहीं होता है, प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यही एक ऐसी स्किल है जो एक एलआईसी एजेंट को बहुत बेहतर बनाती है, प्लान प्रेजेंटेशन। बहुत लोग ऐसे एजेंट हैं जो प्लान प्रेजेंट नहीं करते हैं। प्लान प्रेजेंट का मतलब कि बोलते हैं कि सर बीमा एक्टिव करवा लीजिए, लेकिन कैसा बीमा है, उस बीमा में क्या क्यूरियोसिटी दे रहे हैं, उस बीमा को क्या अच्छाई है कि कस्टमर ले ले, उस बीमा में ऐसी क्या खूबसूरती है, उस बीमा के ऐसे क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या उस बीमा के महत्वपूर्ण क्या फायदे हैं जिससे कस्टमर प्रभावित हो। तो उनको फायदे बताना होता है, प्लान प्रेजेंट करना होता है, और प्लान प्रेजेंटेशन में क्यूरियोसिटी जरूरी है। सर ये जो प्लान है ना, इतना जबरदस्त है कि इसको लेने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर इस प्लान को लेने के बाद आपके बच्चे का डॉक्टर बनना गारंटी हो जाएगा। सर इस प्लान को लेने के बाद आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा ही बनेगा। सर इस प्लान को अगर आप ले लेते हैं तो आपका सुरक्षित भविष्य, बच्चों का सुरक्षित फ्यूचर, ये गारंटी हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वालिटी बताना चाहिए। अगर क्वालिटी आप बताते हैं तो निश्चित तौर से आपको कस्टमर बुला के कॉल करके बीमा लेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। और होता क्या है कि लोग बताते ही नहीं है, सर बीमा ले लीजिए, लेकिन कौन सा बीमा है, क्या बीमा है, उसके लिए कौन सा बीमा सुटेबल है, उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा, उसके लिए कौन सा प्लान ऐसा होगा जिसको वो आसानी से चला सकता है। अब 50 साल उम्र है, 25 साल का प्लान दे दिए, 75 साल में उसको उस पैसे का कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। उसको चाहिए 10 साल का प्लान, उसको चाहिए 15 साल का प्लान, ताकि वह उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अब हम ऐसा प्लान दे देंगे जो उसका उसको इस्तेमाल ही नहीं, वो सोचेगा कि इसका फायदा तो मेरे बच्चे ही लेंगे, नाती पोते लेंगे, तो फिर वो 2-4 साल 5 साल भरने के बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, वो उस प्लान को भर नहीं पाएगा। और कोई 20 साल का आदमी है, उसको 40 साल का प्लान दे दिए, 35 साल का प्लान दे दिए,
तो भी थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाएगा कि यार बुढ़ापे में मिलके क्या करेगा, जब जवानी के दिन में उस पैसे का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ा। तो ऐसा प्लान बेचना है कि वह तुरंत भी इस्तेमाल करे, बीच बीच में भी इस्तेमाल करे, एट लास्ट भी इस्तेमाल करे उस पैसे का, उसको खूबसूरती नजर आए, उस पैसे से उसकी लाइफ अच्छी होती नजर आए, उस पैसे का वह इस्तेमाल करता नजर आए। जब आप ऐसा फ्यूचर उसे दिखाइएगा, ऐसा सपना दिखाइएगा, उस ड्रीम के लिए वह पागल होकर बीमा करेगा। बीमा बेचने के साथ साथ उसके ड्रीम को दिखाना होता है, बीमा बेचने में उसके सपने को पूरे होते नजर दिखना चाहिए, उसकी बिटिया की शादी धूमधाम से होता नजर आना चाहिए, उसके बच्चे का एजुकेशन धूमधाम से बढ़िया जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से सक्सेसफुल बच्चा दिखना चाहिए, तब प्लान बिकेगा। और प्लान हजार लोगों के बताने के बाद 100 लोगों का ही बिकता है, बाकी 900 लोगों अवॉइड कर देते हैं, 900 लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जो रिजेक्शन आता है, जो रिजेक्शन आता है वह आपको रिजेक्शन नहीं आता है, वह प्लान को रिजेक्शन आता है। यानी प्लान के बताने में जो आपने कमी की, प्लान के बताने में जो क्यूरियोसिटी नहीं बन पाई, प्लान के बताने में जो आपने खूबसूरती आकर्षण और जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसका नतीजा है कि 90% लोग यानी 900 लोग उस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। मगर आपको होपलेस नहीं हो, आप होपलेस मत होइए। मिला तो बेस्ट, मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट, बट नो रेस्ट, बट नो रेस्ट। रेस्ट नहीं करना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है। और जो कंटिन्यू लगा रहा रोज के रोज पांच लोगों से मिलता रहा, रोज के रोज पांच लोगों का नाम ऐड करता गया, रोज के रोज पांच लोगों से उसका रजिस्टर फुल होता गया, तो निश्चित तौर से देखिए उसकी LIC की एजेंसी एक दिन इतना जबरदस्त परफॉर्म करेगी कि एक न एक दिन वो बंदा COT, TOT, MDRT और क्या क्या कर सकता है, जो जो उसके सपने हो सब पूरे हो सकते हैं, सब पूरे हो सकते हैं, निश्चित तौर से गारंटी। तो आज के इस वीडियो से आपको सीखना है कि रोज के रोज प्रॉस्पेक्ट बनाना है, नो हेजिटेशन, नो ईगो, कंटिन्यूअस लगे रहना है, 365 दिन पांच पांच प्रॉस्पेक्ट जुटाते रहना है, और कंटिन्यूअस अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे खूबसूरती के साथ तो बीमा होगा। और बीमा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पर डे के पर डे पांच से ज्यादा लोगों को प्रेजेंट करिए, प्लान दिखाइए, क्यूरियोसिटी उसमें लाइए, उसके सपनों को पूरा करता हुआ नजर दिखाइए, उसके सपने पूरे हों ऐसा कुछ, ऐसा फिगर, ऐसा कुछ स्पीच, ऐसा कुछ उसको सपने दिखाइए, तो देखिए निश्चित तौर से वो पूरा होगा, प्लान आपका बिकेगा और उस कस्टमर का सपना भी पूरा होगा। और जब कस्टमर का सपना पूरा होता नजर आएगा ना, तो प्लान चुटकी बजाते बिक जाएगा। और कस्टमर का सपना पूरा नहीं हो रहा है, कस्टमर को सही प्लान, सही समय से मैच्योरिटी, सही समय से उसके बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा, तो वह आप रटते रह जाएंगे, प्लान नहीं बिकेगा। और एक चीज और मायने रखती है मित्रों, अगर बाय द वे आप प्लान बेचते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में लोगों से मिलते हैं और तमाम तरह के और लोगों से मिलते हैं, तो आपको यहां अपने कैरेक्टर को, चरित्र को बेहतर बनाना होता है। इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, इसमें सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, उसके साथ साथ इसमें आपको ऐसा दिखना है ताकि आपका कस्टमर ऐसा समझे कि वह मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए वह शुभेच्छु है, शुभचिंतक है, ऐसा दिखना चाहिए। जिस दिन ईमानदारी रहेगा, शुभचिंतन रहेगा और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल से आप उसको संबंध बनाएंगे, तो निश्चित तौर से आपका प्लान बिकेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके इस वीडियो का फायदा बहुत लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए फैंटास्टिक फाइनेंशियल ईयर, हैव ए फैंटास्टिक डे फॉर यू एंड हैव ए फैंटास्टिक क्लोजिंग फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।